जय श्री ओम नमः सत्येभ्यः ओम नमः सत्येभ्यः ओम नमः सत्येभ्यः नमो अरिहंतारम नमो सिद्धानं नमो आयरियं नमो अजायारम नमो लोए सर्वे सागुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतिमोगणि मंगलं कुंद कुंदातो जयने धर्मोस्तु मंगलं सर्वे मंगल मांगल्यं सर्वे कल्याणकारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व त्यागीदेव सास गुरु भगवान की जय। बंद कर्म बंद के चार प्रकार होते हैं, चार प्रकार से होता है वो। एक तो होता है प्रकृति बंद, एक होता है स्थिति बंद, एक होता है अनुभाग बंद और एक होता है प्रदेश बंद। प्रकृति मतलब नेचर, नेचर मतलब स्वभाव, ठीक है, शब्द का अर्थ समझ में आ गया। प्रकृति बंद, हम बंद पड़ रहे हैं। बंद के चार भेद या चार कंडीशन, कर्म जब आत्मा से बंधते हैं तो उसकी चार प्रकार की कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है प्रकृति बंध। प्रकृति बंध में क्या होता है, प्रकृति का अर्थ स्वभाव और नेचर। जैसे गुड़ का स्वभाव मीठापन, चीनी का स्वभाव मीठापन, पानी का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव उष्णता, इसके प्रकृति हो गई ना। अग्नि की प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है अग्नि की, गर्म है ना, नेचर है उसका, ठीक है, उष्ण गरम उष्ण। हाँ, वैसे ही जो ज्ञानावरणी आदि कर्म होते हैं, ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान पर आवरण डालता है, दर्शनावरणी कर्म दर्शन पर आवरण डालता है, दर्शन पे, मोहिनी कर्म पर आवरण डालता है, मोह पर। जो कर्म पर आवरण डालता है और जैसा है वैसा ही बन रहा है, उसे बोलते हैं प्रकृति बंध, ठीक है। जैसे कि हमने किसी के ज्ञान में खलल डाला, हमने किसी को ज्ञान ग्रहण करने से रोका, किसी को पढ़ने से रोका, किसी को स्वाध्याय से रोका, किसी को पाठ से ले जाने से रोका, हमने जिनवाणी को छुपा दिया, फटा दिया, अभिनय की, इन सबसे हमें कौन सा बंध होगा, ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। जैसा हम कर्म कर रहे हैं वैसा ही बंद हो रहा है, ज्ञानावरणी कर्म कर रहे हैं तो ज्ञान पे आवरण हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रकृति बंद। नेचर स्वभाव के अनुरूप, समझ में आई एक चीज, प्रकृति बंद यानी उसका जो स्वभाव है कर्मों का, ज्ञानावरणी कर्म का काम है ज्ञान पर आवरण डालना, तो हमारे ज्ञान पर जो आवरण डाला तो उसे ज्ञानावरणी कर्म का बंद हुआ, इसे बोलते हैं प्रकृति बंद, ठीक है। जिस कर्म का जो स्वभाव है, जिस कर्म का जो नेचर है, जिस कर्म की जो प्रकृति है, वो उसी पर आवरण करता है, उसको बोलते हैं प्रकृति बंध। क्लियर है ना। अब आगे बढ़े हम, दूसरा था स्थिति बंध। स्थिति यानी समय, स्थिति काल मर्यादा, ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन, यानी कौन सा कर्म कितनी स्थिति लेकर हमें बंद हुआ है, उसे बोलते हैं स्थिति बंद, ठीक है। यानी कि जितने काल तक वह कर्म आत्मा की सत्ता के साथ रहेगा या आत्मा से बंधा रहेगा, उसे बोलते हैं स्थिति। स्थिति शब्द का अर्थ समझ में आ गया, यानी टाइम ड्यूरेशन, इसको इंग्लिश में लिख सकते हो टाइम ड्यूरेशन, यानी कि कोई कर्म हमारी आत्मा से एक घंटे के लिए भी बन सकता है और कोई कर्म एक साल के लिए भी बन सकता है। स्थिति
उसकी स्थिति 1 साल भी हो सकती है, किसी कर्म की स्थिति 2 साल भी हो सकती है, किसी कर्म की स्थिति 100 साल हो सकती है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन समय पीरियड, टाइम पीरियड, कितने पीरियड के लिए वो कर्म आत्मा से बंधा है उसे बोलते हैं स्थिति बंध। हमारी पूरी जिनवाणी में स्थिति बंध की बहुत चर्चा हुई है, पूरे जिनागम में स्थिति बंध और अनुभाग बंध की। ठीक है, क्योंकि जो स्थिति बंध होता है अभी पहले चारों की बात कर लूं, फिर मैं डिफरेंसेस करेंगी किसमें क्या का प्रधानता होती है, नहीं भी कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले चारों की परिभाषा पढ़ते हैं। समझ में आ गया, स्थिति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, दो पढ़ ली है हमने। नहीं, प्रदेश नहीं पढ़ा हमने, प्रकृति बंध पढ़ा है, प्रकृति बंध और स्थिति बंध। स्थिति समझ में आ गई। अब स्थिति, सबसे कम स्थिति, सबसे कम ड्यूरेशन कर्म की होती है 48 मिनट अंतर मुहूर्त। कोई कर्म सबसे कम बंधेगा तो सबसे कम मिनिमम 48 मिनट तो रहेगा ही रहेगा आत्मा के साथ, अंतर मुहूर्त में झड़ जाएगा। ठीक है, और अधिक से अधिक मैक्सिमम कितना उसका पीरियड हो सकता है, मैक्सिमम उसका पीरियड हो सकता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, अब 48 मिनट से लेके 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के बीच में जितने भी समय हैं वो सब हमारे स्थिति बंध में आ जाएंगे। अनंत समय आ गए, असंख्या समय आ गए, समय आ, समझ में आ गया। जैसे कि कोई मेहमान हमारे घर कितनी देर रुकेगा, है ना भाई, कोई आया मिलके 5 मिनट बात करके लौट गया, कोई आया बैठ के पानी पी के गया, कोई आया चाय पी के गया, कोई नाश्ता करके गया, कोई लंच करके गया, कोई लंच और डिनर करके गया, तो बहुत सारे समय हो सकते हैं ना, कितनी देर कौन मेहमान रुकेगा। कोई 1 दिन रुके, कोई 2 दिन, कोई महीना भर भी रुकते हैं कई मेहमान, होता है ना ऐसा। तो बस ऐसे ही कर्म है, 48 मिनट कम से कम समय होगा तो 48 मिनट, और अधिक से अधिक मैक्सिमम टाइम होगा तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इनकी स्थिति होती है कर्मों की, उसके बीच में जितने असंख्या समय है वो सब कर्म बंधन के स्थिति है उनकी, कोई कितना भी बन सकता है। एक चीज हो गई। अब तीसरा होता है अनुभाग बंध। अनुभाग ये बहुत जबरदस्त चीज होती है, ये होती है, अनुभाग का अर्थ होता है कर्म का फल देने की शक्ति। अनुभाग बंध क्या होता है, कर्म का फल देने की शक्ति। अब वो कर्म कितनी तीव्रता से उदय में आ रहा है उसे बोलते हैं अनुभाग बंध, और ये पूरा डिपेंड करता है हमारी कषाय के ऊपर। ठीक है, और फिर उसी के आंसर पर भी फिर वो स्थिति बंद होगा। हाँ देखो, स्थिति बंध और अनुभाग बंध में कषाय की प्रमुखता होती है। जो ऊपर स्थिति बांधी थी ना, कितने समय की बंधी, और अनुभाग बंध कितनी तीव्रता से वो कर्म उदय में आएगा, ये दोनों चीजें कषाय कितनी है हमारी उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अरंधानुबंधी कषाय है तो वो कर्म बहुत लंबे समय के लिए बन सकता है, और उसकी ड्यूरेशन पावरफुल हो सकती है उदय में आने की। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, मंद और तीव्र उदय, उदय पाप का भी तीव्र उदय होता है, पुण्य का भी तीव्र उदय होता है। तीव्र पुण्य के उदय में बहुत सारा बाहरी रूप, बाहरी तौर पर हमें धन पैसा समाज इज्जत सब कुछ दिखेगा बाहर में, ठीक है, और तीव्र पाप के उदय होने पर हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, एक चीज, दूसरी चीज, अलग अलग टाइप का होता है। तीव्र पुण्य के उदय में आपके मुख से निकली हुई गलत बात भी सही साबित होती है, क्यों, पुण्य का उदय, कोई आपका विरोध नहीं कर सकता। और पाप के उदय में सत्य बात भी आपके मुख से निकली तो वो भी असत्य भाषित होगी, है ना। इस तरह से अब जैसे बॉल होती है ना, क्रिकेट खेलने की बॉल, उसको हम धीरे से ही फेंकते हैं तो धीरे से चोट लगेगी, जोर से फेंकेंगे तो जोर से चोट लगेगी, और फुल फोर्स में फेंक दो तो कितनी जोर से चोट लगेगी, हो सकता है फ्रैक्चर ही हो जाए हाथ में। समझ में आया,
ऐसे ही हमारी कषाय का तीव्रता कितनी है ये उस बात पर डिपेंड करता है कि वो कर्म कैसे बनेगा हमें आते और कितना तीव्रता से वो उदय में आएगा। तो क्लियर हो गया है ना, आगे बढ़े। चौथा है प्रदेश बंध, यानी कि आत्मा में बंधने वाले कर्मों की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। आत्मा में बंधने वाले कर्मों की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे हो गए प्रदेश बंध और प्रकृति बंध, ये तो होते हैं योग के द्वारा, मन वचन काय की चंचलता के द्वारा प्रदेश बंध और प्रकृति बंध, ठीक है। और स्थिति बंध और अनुभाग बंध होते कषाय की तीव्रता के आधार पर, कषाय के द्वारा। जैसे जैसे देखो बताएं, इसको ऐसे अनुभाग बंध में ऐसे समझ सकते हैं कर्म का फल देने की शक्ति का उदय आना और तीव्रता। जैसे एक कटोरी उबलता पानी है और अगर हम हमने ऊपर डाल लें तो पूरे जल जाएंगे ना, फोले पड़ जाएंगे, है ना। ये तो हो गया तीव्र पाप का उदय कि ना इतनी सी भी सामग्री मिली तो हमें अनिष्टकारी है, समझ में आया पॉइंट। तीव्र पाप के उदय में कम सामग्री मिली वो भी हमें बहुत ज्यादा अनिष्ट कर रही है ना, यानी कि अगर हमने एक शब्द बोला तो उसके बाद का बतंगड़ बन के बहुत हल्ला हो जाएगा, ये पाप का उदय। और एक होता है कर्म का फल उदय देने की क्षमता की एक बाल्टी पानी गरम लेकिन वो गुनगुना सा है तो उसे हम पूरा भी नहा ले, पूरी बाल्टी पानी अपने ऊपर ढाल ले तो उसे हम जलेंगे नहीं, समझ में आया। ये होता है कर्म का फल देने की क्षमता उदय, है ना। जैसे मान लो कि कोई कर्म बांधा हमने कि हमें हमने किसी को चांटा मारा है, किसी को हमने मार दिया, अब वो कर्म हमारे बंद गया, ठीक है। लेकिन उस समय हमारी कसाई की तीव्रता ज्यादा नहीं थी, नॉर्मली किसी को हमने चांटा मार दिया, ठीक है, कसाई मंद थी, तो अब वो बंद बन गया तो उस समय मान लो कि हमारे योगों की चंचलता भी कम थी, मन वचन का एक ही चाटा ही तो मारा था धीरे से, कषाय भी मंद थी लेकिन मारने का भाव आया था तो बंद तो होगा। अब वो कैसे होगा, पता चला कि वो 48 मिनट के लिए बंद हुआ और 48 मिनट में अपने आप उदय में आ जाएगा, और चूंकि उस समय कषाय की मंदता थी, ठीक है, तो उदय में भी धीरे से आएगा, ठीक है। सपोज करो हम घर में किसी को चाटा मार के गए और आगे चल के हम बस उदय में आना था थोड़ी देर बाद कर्म थोड़ी देर के लिए बंधा, तो गए सड़क पे हम ठोकर खा के गिर गए, एक स्थिति हो सकती है क्योंकि धीरे से आया था ना उदय में, ठीक है। या फिर किसी ने हमें गए हम किसी ने हमें किसी हमें मान लो गए रास्ते में ऐसा कोई डंडा वंडा था, पेड़ की डंडी थी, उससे ही हमें चोट लग गई, धीरे से बंद हुआ, ठीक है। एक तो कंडीशन ऐसे बांधा ऐसे उदय में आ गया, 48 मिनट कर्म आके खिर भी गया पता ही नहीं चला उसका। दूसरी चीज क्या थी, मान लो घर में या बाहर किसी झगड़ा हो गया, बहुत तेज झगड़ा हुआ, उस समय हमारी कषाय बहुत हाई थी, कषाय की तीव्रता बहुत थी, हमने सामने वाले को कुछ भी नहीं किया, कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाया, कुछ भी नहीं मारा, लेकिन कषाय की तीव्रता होने से कर्म बंद बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अभी हमने किसी को मारा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गुस्सा बहुत आया हमें, मायाचारी बहुत हुई मन में, कषाय में चारों कषाय लेना, क्रोध मान माया लोभ, लोभ भी हुआ तो बहुत तीव्र लोभ हो गया, मान मान हुआ तो बहुत तीव्र मान हो कषाय हो गई, ठीक है। मान कषाय में क्या होता है, सामने वाले को नीचा दिखाने के भाव आते हैं, सामने वाले को जड़ से समूल से नष्ट कर देंगे हम, अब मैं मेरी बात काटी तो काटी कैसे, हमें कैसे क्रोध कषाय दिखती है, बाकी तीन कषाय तो हमें दिखती नहीं है, थोड़ा बहुत लोभ दिख जाता है, मान और मायाचारी तो दिखती नहीं है, है ना, लेकिन चारों कषायों की बराबर होती है।
खूब क्रोध किया, खूब मान की, खूब कसाई की थोड़े समय को, लेकिन उसमें कसाई की तीव्रता बहुत ज्यादा थी, तो उसका बंध बन गया, बंध बन गया। अब वो जब उदय में आएगी तो उतनी तीव्र फोर्स से ही बंध में आएगी, उसे बोलते हैं अनुभाग बंध। ठीक है, अब वो क्रोध कैसे भी उदय में आ सकता है आपका, अब जब उदय में आएगा ना तो उतनी तीव्रता से ही भोगना पड़ेगा। अभी तो क्या था, हमने चाटा मारा धीरे से, भाव तीस होते डंडी लग के खत्म हो गया, सिर में कुछ चोट लगी, किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, लेकिन उस क्रोध का फल कैसे आएगा? पता चले कि सामने वाला आया और हमें चाकू मार के चला गया, क्योंकि हमने क्रोध करके इतना कर्म बांधा था ना तीव्रता से। एक तो हम थोड़ी सी चोट खा के गिर गए, खड़े हो गए, कुछ नहीं हुआ हमें, है ना, कम उदय में आया। और एक हम मान लो गिरे तो एक्सीडेंट हो गया धाड़ करके, और हाथ पैर टूट गए, हम हॉस्पिटल में भर्ती हो गए 2 महीने को। इसे बोलते कर्म तीव्रता से आया, तीव्रता से उदय में आया। अब जो एक्सीडेंट हो गया ना, मतलब वो उदय में आ गया, अब उसके 2 महीने जो परेशानी भोगेंगे, अब वो कर्म को उदय होके भोग के अब वो झड़ गया कर्म। समझ में आ गया कि अनुभाग बंध क्या होता है? इसलिए हमें हमेशा अपनी कषायों को मंद रखना चाहिए, कभी भी लगे कि भाई पारा हाई हो रहा है, मान हो रहा है, मैं तुरंत जिनवाणी का सहारा लेना चाहिए, तुरंत स्वाध्याय का सहारा लेना चाहिए। कषायों को मन, मतलब ऐसे मरने मारने के भाव आ जाते हैं, क्रोध कषाय होती है तो। मान कषाय में उसे होता है, मार दो सामने वाले को या खुद मर जाए, मान कषाय में होता है। हमें लगता है ना कि क्रोध कषाय में हो रहा है, क्रोध तो आवेग दिखता है बाहर, जिसे हम क्रोध कहते हैं, एक्चुअली तो मान कषाय होती है ये। सामने वाले ने मेरे खिलाफ काम कर दिया तो कैसे कर दिया, मेरी बात मानी तो कैसे नहीं मानी, उस मान कषाय में फिर जो गुस्सा आता है और उसके फलस्वरूप तीव्र बंध होता है, ऐसा लगता है सामने वाले को मार दो या खुद मर जाओ, तीव्र मान कषाय की परिणाम है, नष्ट समूल से नष्ट कर दो। ठीक है, ख्याल में पड़ रही, कुछ कठिन तो नहीं लग रहा? हर्षा भाभी, दादी, ये प्रदेश बंद का क्या बताया? प्रदेश बंध आत्मा में बंधने वाले कर्मों की संख्या, ठीक है, इसका इतना ज्यादा डिटेल नहीं है जिनवाणी में कहीं भी कथन, क्योंकि आत्मा में परिणामों के अनुसार अनंत अनंत कर्म होते हैं, हमारी जैसी योग होंगे उस हिसाब से योगों की संख्या के हिसाब से कर्म आते जाते, इससे हमें इतना मतलब नहीं होता है, मतलब मीन्स इससे हमें इतनी हानि नहीं होती है जितनी हानि हमें अनुभाग और स्थिति बंध से होती है, कि हम कर्म लंबे समय को बांध लेते हैं और उतने फोर्स से हमें उदय में आता है। तो भाभी, इनकी सीक्वेंस ऐसे होनी चाहिए थी, सबसे पहले प्रदेश बंद होना चाहिए था। सीख में तो जो लिखा है वही लिखा है, ऊपर नीचे कर लो, क्या दिक्कत है, अपन को प्रकृति प्रदेश अनुभाग स्थिति ऐसे कर लो, प्रकृति प्रदेश आत्मा अनुभाग स्थिति। में बनने वाले कर्मों की संख्या, फिर उनका स्वभाव, कि जिसका जो स्वभाव होगा कर्म का, वो उसी को ही, मतलब उसी का ही, मतलब वो आवरण करेगा। फिर उसकी स्थिति कितने मिनट का है वो, और फिर वो, मतलब उसकी तीव्रता कितनी है, मतलब ये नंबर तो सही रहेगा। कैसे भी कर लो, अनुभाग स्थिति प्रदेश बंधन से कर लो, है ना, ठीक है, उसमें सीक्वेंस में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पर हम पहले प्रदेश बंध पढ़ो या पहले स्थिति बंध पढ़ो, पहले अनुभाग बंध, यहाँ पर मूल बात है ना समझने की, ठीक है, इनके सीक्वेंस ऊपर नीचे करने से मूल सिद्धांत खंडित नहीं हो रहा है, ध्यान रखो, लेकिन की परिभाषा चेंज कर देने से मूल सिद्धांत खंडित होगा, वहां दिक्कत आएगी। समझ में आ रहा है, जैसे 1 2 3 लाइन से पढ़ेंगे तो हम पहले 3 फिर 2 ऐसे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वह रॉन्ग हो जाएगा मेथड, ठीक है, लेकिन रोल नंबर वाइज, मतलब क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, अब कोई पहले बैठो कोई बाद में बैठो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम काउंटिंग को आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पर है, आप पहले अनुभाग बंद पढ़ना है, अनुभाग बंद पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, स्थिति बंद समझना है, पहले स्थिति बंद समझ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना, लेकिन कि डेफिनेशन में चेंज नहीं कर सकते हम शब्दों में, इनकी परिभाषा में, ठीक है, वहां तक हम लियंट हो सकते हैं जहां मूल सिद्धांत खंडित नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे समझना है मूल चीजें हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है, पहली ढाल याद करो कि दूसरी ढाल याद करो कोई मैटर नहीं, छठी भी कर लो पहले तो कोई दिक्कत नहीं,
याद होनी चाहिए बस। यहाँ पे भी वही चीज है। चलो आज हमने चार पढ़ लिए, समझ में आ गए? चारों बंद पढ़ लिया हमने आज। इससे संबंधित कोई आपको वो है, क्वेश्चन तो नहीं है, डाउट तो नहीं है? नहीं, आज क्लास ही विराम कर देते हैं, कल से करेंगे फिर अपन कंटिन्यू, है ना? निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतवार है। ये जिनवानी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। नौ बैठ मुकर।